हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध रेसिपी, वो है मक्की के ढोकले। ये ढोकले खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसे अधिकतर सर्दियों में बनाए जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कटोरी ले लेंगे, आप कप के नाप से भी इसे ले सकते हो। तो बड़ी वाली कटोरी हम ले लेंगे और एक बर्तन में हमने डेढ़ कटोरी पानी डाला है। आप कटोरी या कप के नाप से अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम 2 चम्मच पापड़ खार के, 2 चम्मच डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे गैस पे चढ़ा के और इसे गरम करेंगे। एक उबाल ही आने देना है इसमें। और ये देखिए पानी गरम हो चुका है, अब इसे हल्का ठंडा होने देंगे। अब एक बड़ी परात ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 कटोरी मक्की का आटा, थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही लिया है। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, तो 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम नमक। इसमें नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि पापड़ खार भी खारा होता है। 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम दही, 1 चम्मच अजवाइन लेंगे और इसे हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच ही हम लेंगे कसूरी मेथी, इसे भी हाथों से क्रश करके इसमें डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश हरी मेथी है तो उसे बारीक काटकर इसमें डाल सकते हो, उससे भी स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 चम्मच लेंगे हम अदरक और लहसुन, जिसे हमने दरदरा कूट लिया था। अगर आपको अदरक लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हो। 1 बड़ा चम्मच हमने मूंग की दाल ली है, ये छिलके वाली मूंग की दाल है। इससे ढोकले का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसे आप जरूर डालें। 1 बड़ा चम्मच हमने सफ़ेद तिल डाला है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची लेंगे। 1 बड़े प्याज को हमने बारीक काट लिया था। थोड़ा सा लेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इन तीनों को इसमें डाल देंगे। अगर प्याज का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हो। 1 चम्मच लेंगे हम यहाँ पे घी, आप घी की जगह तेल भी ले सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मक्की के ढोकले में हम जितना मसाला डालेंगे उतना ही मक्की के ढोकले टेस्टी बनते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने पापड़ खार वाला पानी गर्म किया था, ये देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इसे हम आटे में थोड़ा थोड़ा डालकर इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है, और अगर आप पापड़ खार वाला पानी यूज़ नहीं करना चाहते हो तो गुनगुने पानी से इसका डो तैयार कर सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो, इससे ढोकले में बाइंडिंग अच्छी होती है। मक्की के आटे को जितना मसलेंगे उतना ही आटा सॉफ्ट होगा। और ये देखिए आटे को मसलते हुए अच्छे से चिकना कर लिया है। अब इसके हम ढोकले बनाएंगे, तो हाथों में थोड़ा सा डो ले लेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए हल्का सा दबा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको दबा लेंगे। अगर साइडों में थोड़ा सा फट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा पानी डालकर इसको और भी मसल लीजिए, या फिर इस तरीके से आप इसे जोड़ लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ढोकला बना लिया है, बीच में होल कर देंगे। तो एक ढोकला हमने बनाकर तैयार कर लिया है, इसी तरीके से हम दूसरा ढोकला भी बना लेंगे। तो गोल गोल हाथों से घुमा लेंगे, इसको हल्का सा दबाकर बीच में खड्डा कर लेंगे। खड्डा करने से ये आसानी से पक जाते हैं। और ये देखिए सारे ढोकले हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे हम 2 गिलास पानी, इसे हम गर्म करेंगे। ढोकले को बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक जाली वाला बर्तन ले लिया है। आपके पास कोई भी थाली प्लेट हो तो उससे भी आप ढोकले बना सकते हो। तो इसके अंदर लगा देंगे हम तेल, तेल लगाने से ढोकले चिपकेंगे नहीं, या फिर आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। तो यहाँ पे हमने 1 धनिया की गुच्छी ले ली है, इसको चाहे तो आप ऐसे ही रख सकते हो या फिर इसे कट करके इसके जो पीछे वाले मोटे डंठल होते हैं उसको इस तरीके से बिछा दीजिए। ढोकले में आप हरे धनिया को कम डालें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हरे धनिया को इस तरीके से जाली के ऊपर बिछा दीजिए,
इससे जो ढोकले का टेस्ट आएगा इतना बढ़ चढ़कर आएगा कि एक बार खाने के बाद आप उसे बार बार बनाना चाहोगे। तो पहले आप मोटे डंठल को रख दीजिए और उसके बाद जो पत्तियाँ होती हैं धनिए की सॉफ्ट वाली उसको ऊपर बिछा दीजिए। धनिए के पत्ते बिछाने से एक तो ढोकले चिपकेंगे नहीं और दूसरा सारा धनिए का जो फ्लेवर होता है वह सारा ढोकले के अंदर आ जाएगा। सारे ढोकले हम इसी के ऊपर रख देंगे। हमने ढोकले की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि जब हम सुबह इसको तेल में फ्राई करते हैं और चाय के साथ खाते हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसीलिए हमने ढोकले की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है। अब इसे हम कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। कढ़ाई में जो पानी डाला था वह गर्म हो चुका था, उसके ऊपर हम इसे रख देंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्तियां बच गई थी तो हमने ढोकले के ऊपर रख दिया था ताकि जो ऊपर वाले ढोकले हैं उसके अंदर भी धनिया का फ्लेवर आ जाए। अब इसे हम 25 से 30 मिनट तक ढककर भाप में अच्छे से पकने देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखनी है और भारी पेंदे वाला बर्तन इसके ऊपर रख देंगे ताकि भाप बाहर ना निकले। बीच बीच में आप एक दो बार इसे चेक करके देख सकते हो ये पके हैं या नहीं। अगर इसमें थोड़ी सी देर बाकी है तो 5 से 10 मिनट आप इसे और भी पका सकते हो। ढोकले पकने में टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 30 मिनट बाद में हमने ढक्कन हटाया है और इसे चेक करेंगे चाकू से कि ढोकले पके हैं या नहीं। तो ये देखिए चाकू एकदम क्लीन है, इसका मतलब ढोकले बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। और ये देखिए कितने बढ़िया और टेस्टी ढोकले बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आप तिल्ली के तेल से भी खा सकते हो या फिर घी से भी खा सकते हो। तो आज हम इसमें डालेंगे घी। ये ढोकले घी से भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाली सर्दियों में आप गरम गरम ढोकले को घी के साथ और उड़द की दाल के साथ जरूर खाइए और आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए।